ओम नमो आदेश गुरु जी को, सभी दर्शकों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नरेश नाथ जी वीडियोस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे हाय के बारे में। हाय के साथ आज के इस प्रयोग से ही आप ऊपरी हवा, छाया तथा नजर दोष को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये सब कैसे होगा ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और यदि कोई बात आपको समझ ना आए तो आप प्ले स्टोर में जाकर कॉल मी 4 ऐप डाउनलोड करें और वहां पर पंडित नरेश नाथ जी @CM4 सर्च कर आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। इसका लिंक हम स्क्रीन पर भी आपको दे देंगे, आप वहां से भी इस लिंक को ले सकते हैं। मित्रों, हाय का प्रभाव व नजर का प्रभाव आप सभी ने अपने जीवन में अवश्य ही देखा होगा। आपने देखा होगा कि हंसता खेलता बच्चा बिस्तर पकड़ लेता है और एक प्रसिद्ध कलाकार जो कि लोकप्रिय की शिखरता पर पहुंचता है एकदम शून्य पर आ जाता है। हमने अपने दैनिक जीवन में, हमने अपने कार्यकाल में ऐसे ऐसे दोष देखे हैं इस हाय के एक नामी गामी पहलवान मृत्यु की शैया तक पहुंच जाता है और एक विश्व प्रसिद्ध बिजनेसमैन बिल्कुल हाय की वजह से बर्बाद हो जाता है। हाय के दुष्प्रभाव से बाजार में जिस दुकान पर सदा चहल पहल रहती थी वहां उल्लू बोलने लग जाते हैं। बड़े बड़े उद्योग हाय के प्रभाव से नष्ट होते हैं। मित्रों, हाय एक ऐसी बला है जो पहाड़ को भी खाक में बदल देती है, जो अर्श से फर्श पर फेंक देती है। मित्रों, हाय एक ऐसी हानिकारक ऊर्जा है जो व्यक्ति के आंतरिक मन से निकलती है और सीधा प्रभाव करती है। इसके लिए ना तो किसी मंत्र की आवश्यकता होती है, ना किसी यंत्र की, ना किसी टोटके की। हाय ही व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए प्रयास होती है और इस हाय से बचने के लिए बहुत से लोग नजर दोष यंत्र, नजर दोष कवच पहनते हैं और घर पर काले घोड़े की नाल भी लगाते हैं, अनेक उपाय करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक चमत्कारी उपाय बता रहे हैं जिसको करने से आप सदा सदा के लिए नजर से बच सकते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम किसी भी शुभ पर्व पर जैसे दीपावली, ग्रहण, होली, नवरात्रि एवं गुरु पुष्प नक्षत्र व रवि पुष्प नक्षत्र में आप इसे सिद्ध कर इसका चमत्कार देख सकते हैं। एक ही दिन में यह सिद्ध हो सकती है, कोई ज्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं। तो मित्रों, किसी भी शुभ पर्व में आप नहा धोकर तैयार हो जाएं, लाल रंग का वस्त्र पहने और लाल रंग की धोती पहने। स्त्री व पुरुष दोनों ही इसे कर सकते हैं, केवल शुद्धि का ध्यान रखें। आसन भी लाल रंग का रहेगा, दिशा पूर्व या उत्तर रहेगी। सामने आम के बने हुए लकड़ के बजोड़ पर लाल वस्त्र बिछाकर किसी भी दैविक शक्ति का चित्र स्थापित करें, जैसे दुर्गा जी, काली जी, किसी भी दैविक शक्ति का जो आपके पास उपलब्ध हो उसका चित्र रखें। साथ में गाय के घी का अखंड दीपक भी लगाएं। गाय का सूखा हुआ गोबर को प्रज्वलित कर गाय के ही घी में शुद्ध गूगल खरल कर मिक्स कर 108 होती दें और 10 माला जाप करें।
तथा जाप के समय में आप देसी घी की हलवा तैयार करें, कढ़ाई तैयार करें और माँ को भोग दें। दो लड्डू और एक मीठा पान भी अवश्य ही रखें। उसके बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी आपको प्रयोग करना हो, रोगी को अपने सामने बढ़ाएं, लोबे की छुरी से, चाकू से आप इसका झाड़ा लगाएं, 21 बार मंत्र पढ़ते हुए 21 बार फूंक मारें और झाड़ा करें। आपको रोगी तुरंत बताएगा कि उसको आराम मिला है। ऐसा आपको 3 बार करना है। 3 बार करने से सभी प्रकार की नजर हाय छाया तथा ऊपरी हवा तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसका आप यंत्र भी तैयार करके दे सकते हैं, इससे आप धागा भी तैयार करके दे सकते हैं। रोगी को आप इसके द्वारा जल भी अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, लौंग इलायची भी पढ़कर दे सकते हैं और कारोबार के लिए जहां नजर दोष लगी हो वहां पर आप पीली सरसों अभिमंत्रित करके छींटा देने के लिए दे सकते हैं, तथा धूप को भी अभिमंत्रित करकर आप उसको अपने कार्यस्थल पर देने के लिए दे सकते हैं। बहुत से प्रयोग हैं इसके। तो मित्रों, ये तो थी प्रयोग की विधि। जब भी आप किसी के लिए प्रयोग करें तो आप उनसे प्रसाद अवश्य ही देने को कहें, चाहे तो वो कुत्ते को रोटी डाल दें, गाय को चारा डाल दें या कुछ भी अपनी समर्थानुसार 10-20 रुपए का दान अवश्य ही करवाना चाहिए। इससे आप पर दोष भी नहीं पड़ेगा और आपका कार्य भी सिद्ध होगा। नहीं तो आपके मंत्र की शक्ति से सामने वाला तो ठीक हो जाता है, लेकिन भेंट ना देने के कारण उसका जो प्रभाव होता है वह आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आ जाता है। तो भेंट देवता की अवश्य दुआएं। यदि कुछ भी नहीं हो सकता तो दो लड्डू ही लेकर हनुमान जी के मंदिर में जुड़ा दें, माता के मंदिर में जुड़ा दें। और यदि ये भी संभव नहीं है तो दो लड्डू कुत्ते को ही डाल दें। जैसा भी व्यक्ति की समर्था हो दान अवश्य ही करवाना चाहिए, इससे इस मंत्र की चैतन्य बनी रहती है। तो अब बात करते हैं इस चमत्कारी प्रभावशाली अचूक मंत्र की। मित्रों, मंत्र बताने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि मित्रों, यदि आप साधना करना चाहते हैं, साधनाओं में आपको रुचि है, आप किसी बढ़िया साधना की खोज में हैं और या आपको ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र की कोई समस्या है, या आप इसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तथा आयुर्वेद की भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मित्रों ये सब आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। मित्रों, हम आपको स्पष्ट रूप से, खुले रूप से कहते हैं कि आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए आपको हमारे चैनल पर अनेक वीडियो प्राप्त हो जाएगी। आपकी हर समस्या के अनुरूप हमारे चैनल पर आपको 5-6 वीडियो मिलेंगी एक समस्या की, और आप उसमें से चयन कर देख सकते हैं कि आपको क्या सरल लगता है, आप क्या कर सकते हैं। अपनी च्वाइस अनुसार आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको 100% लाभ भी होगा। आजमाइश के लिए करना सफलता में कमी का कारक बनता है। श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो अवश्य ही आपका कार्य सिद्ध होगा। मित्रों, प्राचीन काल में मंत्रों के द्वारा ही हर समस्या का समाधान किया जाता था। आज भी आप देख रहे होंगे पश्चिम देशों में तथा हमारे भी भारत प्रांत में भी कई देशों में रेकी के द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है, यहां तक कि कैंसर या एड्स का भी उपचार किया जाता है, और बहुत ही क्षेत्रों में जिसे शक्तिपात कहते हैं के द्वारा, शक्तिपात के द्वारा भी रोगों का इलाज किया जाता है। बहुत सारे लाइलाज रोग इसके द्वारा ठीक होते हैं। आज भी मंत्र उतने ही कारगर हैं जितने पहले थे, बस हम पश्चिम सभ्यता के प्रभाव के कारण इनके ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर पाते।
और जब विश्वास करते हैं तो चमत्कार 110% दिखाई देता है मित्रों। तो मित्रों आप YouTube के सैकड़ों चैनलों से हमारे चैनल की तुलना कीजिए सबसे पहले, उसके उपरांत यदि आपको लगे कि हाँ जो इस चैनल से प्राप्त हो रही है जानकारी वो सत्य है, प्रमाणित है, और अन्य चैनलों की तरह मनगढ़ंत साधनाएं या मनगढ़ंत मंत्र नहीं डाले जा रहे, तो आप हमारे चैनल को यदि आपका दिल गवाही दे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो मित्रों इस दिव्य मंत्र को नोट कर लीजिए। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को बजरी बजरी वज्र किवाड़, वज्री पे बांधो दसों द्वार, दसों द्वार को लांगे आत, उल्ट देव वही को खात, पहली चौकी भैरू की, चौकी पर चौकी रोम रोम की, रक्षा करने को श्री नरसिंह आए, शब्द सांचा पिंड कांचा, पूरो मंत्र शिव वाचा। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम नमो आदेश गुरु को वज्री वज्री वज्र क्वाड़, वज्री पे बांधो दसो द्वार, दसो द्वार को लांगे आत, उल्ट देव वही को खात, पहली चौकी भैरों की, चौकी पर चौकी रोम रोम की, रक्षा करने श्री नरसिंह आए, शबल सांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र शिव वाचा। इतना सा मंत्र है, इस मंत्र को याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, उसके बाद किसी विश्व पर्व में एक ही घंटे में ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, और कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जब भी आपको आवश्यकता हो, सूर्य अस्त होने से पहले पहले, सूर्य अस्त के बाद कभी भी मंत्र का प्रयोग ना करें। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली मंत्र है, इससे आप बड़ी सी बड़ी नजर को, बड़ी सी बड़ी हाई को समाप्त कर सकते हैं। ऊपरी हवा का भी निदान हो सकता है, इससे ऊपरी छाया का भी निदान हो सकता है। मित्रों श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको करकर लाभ उठाएं, अपने और अपने परिवार की रक्षा करें तथा अपनों की रक्षा करें। तो मित्रों यदि आपको लगे कि आज की जानकारी सत्य है, प्रमाणित है और आपका हृदय गवाही दे, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको लगे कि हमने आपको जो जानकारी दी वह फेंक है, किसी काम की नहीं है, तो बेशक आप हमारे वीडियो को अनलाइक कीजिए। मित्रों आज इतना ही, जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, भगवती महाकाली आप सभी का मंगल करें, यही कामना हम आप सबके लिए करते हैं।